डियर स्टूडेंट, सीबीएसई ने अभी जो है 2019 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है फॉर दी 10th क्लास और 12th क्लास, उसके लिए डेट शीट को रिलीज कर दिया है। तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये 10th क्लास के लिए शो करूँगा और आप उसकी वेबसाइट पर जाकर इसको देख सकते हैं। राइट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है आप हम लोगों का, तो यहाँ 10th और 12th क्लास के लिए आज जो 23 दिसंबर है ये डेट शीट वहाँ पर रिलीज कर दी है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं cbse.nic.in वेबसाइट के थ्रू। यहाँ डिस्क्रिप्शन के साथ मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, तो ये जो एग्जाम स्टार्ट होगा ये फरवरी 15 से अप्रैल 3 तक 2019, ये 12th क्लास के लिए है, और 10th क्लास के लिए ये 21st फरवरी से लेके मार्च 29, 2019 तक होगा। अभी जो यहाँ एग्जामिनेशन के डेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। 10th क्लास के लिए अभी मेंशन किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये इस साइड में थर्सडे 7th मार्च को मैथमेटिक्स का पेपर होगा। टाइमिंग जो रखा है वो मॉर्निंग 10:30 से लेके दोपहर 1:30 तक का है। तो इस तरीके से ये अभी कुछ सेलेक्टेड यहाँ पेपर कंसीडर किए हैं, बाकी भी आप देख सकते हैं। राइट, जैसे ये अभी 13th को जो होगा वो साइंस का होगा, 19th को जो होगा वो हिंदी का, और सैटरडे 23rd को जो होगा मार्च को वो इंग्लिश का होगा, और फिर 29th को जो होगा मार्च वो सोशल साइंस का होगा। तो ये कुछ सेलेक्टेड पेपर लिए हैं, आप डेट शीट के अकॉर्डिंग अपने पेपर देख लीजिए जिस भी दिन और जिस भी डेट को वो होंगे। राइट, तो अब देखिए कि मैथमेटिक्स का पेपर सबसे पहला है आपका 7th को, और उसके बाद में 13th को है, मतलब ये काफी दो जो पेपर है उनके बीच काफी टाइम मिला हुआ है, और ये 6 days का है ऑलमोस्ट। राइट, यहाँ ये हिंदी और इंग्लिश, और फिर आपका जो इंग्लिश का और सोशल साइंस का है उसका 6 days है। तो आप बच्चे लोगों के पास में काफी टाइम है, तो वो उसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, तो टाइम काफी अच्छा दे दिया है। तो और यहाँ जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट क्या है कि आंसर जो बुक है बच्चों को वो सुबह 10 बजे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, 10 बजे से लेकर 10:15 सुबह के टाइम, और कैंडिडेट वुड राइट देयर पर्टिकुलर्स ऑन द आंसर बुक उस ड्यूरेशन में। और पर्टिकुलर्स का मतलब यह है कि नेम, उनका जो रोल नंबर होगा, जो सब्जेक्ट का कोड होगा, जो सब्जेक्ट का नाम होगा। राइट, तो वो सब जो एंट्री है, जो सीरियल नंबर है, वो पर्टिकुलर्स जो है बच्चे अपनी आंसर शीट में भरेंगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 10:15 पर। बच्चे को 15 मिनट के लिए पेपर रीड करना होगा, और उसको बच्चा अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड कर ले। राइट, उसके बाद 10:30 से वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ प्लान इस तरीके से रखा हुआ है। तो आप यहाँ सीबीएसई की जो वेबसाइट है उससे इस सर्कुलर को जो क्लास 10 के लिए है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और फॉर अदर इंफॉर्मेशन यू कैन विजिट अपनी physics.com। आपका कोई भी साइंस का, साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस। राइट, तो और दूसरा पॉइंट यह है कि ये एक्चुअली इससे पहले क्या होगा कि ये फाइनल टेस्ट है, उससे पहले आप कुछ टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं, कुछ अपने अनसोल्व प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, एंड ट्राई टू सोल्व जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है कि कहाँ प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को आप अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने टीचर के साथ में, जो भी एल्डर वन है उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, और बार बार आप रिविजन करिए। राइट, और जब अगर साइंस पढ़ना है तो आपको, तो साइंस को पढ़ते टाइम आप फॉर्मूले को देखिए कि फॉर्मूला कैसे लिखा है, फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड में वो
सिंपल वे में लिखा है या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है। फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमरेटर में क्या पैरामीटर गिवन है, तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर टॉपिक जो आपका है उसका फार्मूला याद रख सकते हैं। और फिर देखिए कि साथ में उसके साथ क्या पिक्चर बनाया हुआ है, उस पिक्चर में क्या क्या कंपोनेंट कनेक्ट किए हुए हैं, उसमें कहाँ कलर दिया हुआ है, किस टाइप का कलर दिया हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन आप माइंड को बताएंगे तो साइंस की जो टॉपिक है वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगे। आप फार्मूले वगैरह साथ में लिखते रहें, राइट। तो यहाँ से आपको ये आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे और उन साइंसिस के कंसेप्ट को आप भूल भी नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट आप सभी बच्चे लोगों को, एंड डोंट वरी अबाउट एनी कंसेप्ट, राइट। आप उसको रिवाइज करिए, पढ़िए, और जहाँ आपको लगे कि माइंड स्टक हुआ है, मतलब माइंड अभी आपका समझ नहीं पा रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा क्रैम भी कर सकते हैं, राइट। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो मेक इट वेरी क्लियर कि वो पॉइंट क्या है, और माइंड को इन्फॉर्मेशन देते जाइए। आपका जो भी चैप्टर है चैप्टर का नाम याद रखिए, उसके बाद उसमें टॉपिक क्या है उस टॉपिक का नाम रखिए, फिर टॉपिक के अंदर क्या फार्मूला आया है और क्या पिक्चर है, राइट। तो उस तरीके से अगर आप याद रखेंगे, माइंड को बताएंगे, तो आपका माइंड रिकॉल कर लेगा जब आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस वीडियो में केवल मेरा इतना ही सजेशन है कि आप किसी भी टाइप की टेंशन मत रखिए, अपना हेल्थ ठीक रखिए और एक्सरसाइज करते रहिए, हेल्दी फूड खाइए और कंसंट्रेट रखिए। इन अभी ये जो 2 मंथ हैं, 2 मंथ तो पूरा नहीं है, लेकिन जितना भी टाइम है ये अभी आपके पास में, तो उसमें आप इसको कंसंट्रेट करके रखिए माइंड को, राइट। सो थैंक्स और आपके टाइम के लिए, एंड बेस्ट विशेस।